यार हमारे गांव के सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन इवनिंग के समय का उपयोग, क्योंकि अभी फाटक खुली हुई थी और अच्छा व्यू था। बर्थडे पार्टी की तैयारी हो चुका है तो थोड़े समय में केक कट जाएगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से एक वीडियो में। आज 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस, और अब तक रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है। और यहाँ पर एक गाड़ी क्रॉस कर रही है जो कि बाहर से गुजरेगी, तो यह गुजर चुकी है। और यहाँ पर आज का टेम्परेचर है काफ़ी ज़्यादा, तो यह रहा जो कि स्क्रीन रिकॉर्ड में कर रहा हूँ। मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। यह समय अभी दोपहर के 1 बजे के आसपास का है। हाँ, जहाँ पर यह गुआवा का पेड़ जिसमें हाँ पत्तियाँ थोड़ा बहुत लग रहा है जो मुरझा रहा है, तो कल वाटर दे दूंगा। और इससे हमारा चौक का स्ट्रीट व्यू, यह राजयोग टावर और यह VI, सामने एयरटेल और एक मंदिर। ये रहा फिल्टर वाला फोटो, सारा फूल था, कीड़ा लगने की वजह से सारा पत्ता सूख गया। अब इसका धुलाई होगा। नीट एंड क्लीन वॉश। धोने वाला बिकॉज देयर इज अ वेरी बैक्टीरियल पेड़ धुल के साफ सुथरा हो गया। यह पेड़ बचा हुआ है क्योंकि यह दूर था। चलिए थोड़ा सा लीची का बागान देख लेता हूँ, क्योंकि रखवाली थोड़ा बहुत करना पड़ता है, नहीं तो बच्चे लोग जा करके तोड़ लेंगे या फिर इतना तो कोई तो देखना पड़ जाता है। और यह बगल में तालाब है और इसके बगल में पानी टंकी है जो कि जो थोड़ा बहुत पानी बच जाता है तो पोखरी में चला जाता है। हाँ, अभी पानी पूरी सूख गया है, फिर बरसात के दिनों में भर जाएगी। हैप्पी बर्थडे। सूर्यास्त होने को, सूर्यास्त के समय का यह व्यू बेहद ही खूबसूरत दिखाई पड़ता है। और काफ़ी सारे फार्म्स हैं जो कि यहाँ पर विद्यालय है, और जिसका पेंटिंग्स लाजवाब लग रहा है। और बगल में सुलभ शौचालय लगभग बना दिया गया है, उसे भी पेंट किया जा रहा है। तो यह सनसेट व्यू, थोड़ा बहुत म्यूजिक लगा देता हूँ। जब सन को फोकस करते हैं तो और ब्लर हो जाता है। और यह निकटतम रेलवे स्टेशन है, जब फाटक खुली हुई थी तो उस बार जा रहा हूँ, तो यह गेट शॉप देखिए दिखाई पड़ता है। चलिए स्टेशन जो यहाँ पर यह स्टेशन पूर्व से पश्चिम की ओर है, तो अभी समस्तीपुर से यह ट्रैक आती है और मेहबूबपुर की ओर जाती है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। यह टर्निंग हमेशा याद दिलाता है। और यह लोगों का फॉर्म यहाँ पर खत्म हो जाता है, राइट साइड में नर्सरी जाती है। और यहाँ पर टर्निंग है जो कि छोटा सा कुआं है, सात किलोमीटर से ऊपर पानी गिरता है। थोड़े समय में घर पहुंच जाऊंगा, उसके बाद बर्थडे पार्टी है तो वो अटेंड करूंगा। लगभग 8:15, तो चलिए पार्टी में चलता हूं। यहां पर लगभग सारी अरेंजमेंट हो चुका है, बस सिर्फ केक कटाने का समय बाकी है। पहले घर वाला कर बर्थडे। तो यहाँ पर बर्थडे पार्टी खत्म, फ्रेंड्स उसके बाद केक कटा के देता हूँ। ये रहा बर्थडे बॉय, तो कल मिलते हैं।
किसी और में बना दूंगा।